सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आवर वाटी चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइस, आज के इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोग कुछ इस टाइप का फेस को स्मूथ एंड व्हाइट करना सिखाने वाला हूं। एंड साइन इस मेरा वीडियो के अंदर मैं आप लोग कभी भी बताऊँ कैसे आप लोग अपने बैकग्राउंड को आप लोग मल्टीपल कलर में यहाँ पर एडिट कर सकते हो, जो कि आप लोग कुछ फोटो के सैंपल को यहाँ पर देख सकते हो, देखने में कितना अमेजिंग सा लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो सेम सेम इस तरह का फोटो एडिटना सीखना, तो इस वाला वीडियो को आज तक लास्ट तक जोर से देख लीजिएगा। और अगर आप लोग का हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली इस तरह का नई फोटो एडिटिंग का वीडियो मिस न कर पाए। तो फिर विदाउट एनी टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का जिस भी फोटो का एडिट करना होगा उस वाला फोटो को आप लोग अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। और एक आप लोग क्या कीजिएगा, प्रीसेट को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, इस वाला ब्लूटोन प्रीसेट को। और प्रीसेट एंड पेंटिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाला प्रीसेट पर एक बार हम लोग टैप कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके कॉपी सेटिंग के आइकॉन पर एक बार क्लिक करते हैं। और सभी में हम लोग इस तरह से यहाँ पर टिक कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। और सिंपल से हम लोग राइट क्लिक करके अपने फोटो पर एक बार हम लोग टैप करेंगे और फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ से इसको हम लोग पेज सेटिंग कर देंगे। तो जैसा आप लोग यहाँ पेज सेटिंग की दे, तो आपके फोटो के अंदर गाइज वन क्लिक के अंदर ब्लू कलर टोन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि बिफोर एंड आफ्टर गाइज अभी आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इफेक्ट टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं और हल्का सा अपने फोटो में यहाँ पर बिगिन को हम लोग देते हैं कुछ स्टेप से। और अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों को शेयर टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके इस वाला फोटो को आप लोग का दिया स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। सो गाइस, और उसे स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने का सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस को हम लोग यहाँ पर हार्ड स्मूथ करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाला टूल के ऊपर एक बार हम लोग टैप कर लेते हैं इस वाला आइकॉन पर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ स्टेप से यहाँ पर ऊपर की ओर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ पर सिंथेटिक पेंट नाम से आप लोग को एक ब्रश मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस वाला ब्रश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोग यहाँ पर फिंगर से दिखा देता हूँ। और सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके इसके सेटिंग को आप लोग इतना परसेंट पर यहाँ पर रख लीजिएगा। आप चाहे तो इस तरह से स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं कुछ स्टेप से। और नीचे साइड में आप लोग का मतलब एक कट का एक ऑप्शन में, इस वाला कट के ऑप्शन में आप लोग एक बार क्लिक करें कुछ स्टेप से, फोटो को आप लोग जूम करके अपने स्किन के ऊपर आप लोग कुछ स्टेप से इसको राउंड राउंड करके आप लोग यहाँ पर ब्रश कीजिएगा, ताकि आपके फेस मतलब ब्रश का दाग बिल्कुल भी ना आ पाए यहाँ पर कुछ स्टेप से। तो चले मैं थोड़ा सा वीडियो का मतलब फास्ट करके अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर टाइम देख काफी बेहतरीन तरीके से अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ कर लिया, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। मैं आप लोग को जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो फेस को स्मूथ करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने फेस में लाइटिंग देने वाले हैं, बोलो तो अपने फेस को व्हाइट करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, लेयर के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं और प्लस के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके हम लोग एक यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करते हैं। और इस वाला लेयर के ऊपर एक बार टैप करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑपोसिटी को हल्का सा डाउन यहाँ पर कर लेते हैं और ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन में क्लिक करके इसको हम लोग सॉफ्ट लाइट के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और नीचे सारे में आप लोग कलर का एक ऑप्शन, इस वाला कलर के ऑप्शन में आप लोग पर क्लिक करके इसको आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, व्हाइट कलर यहाँ पर कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। और फिर से कट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके टूल के ऑप्शन में एक बार आप लोग टैप कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरह से। और लाइब्रेरी के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके इसको आप लोग यहाँ पर ऊपर की ओर उस तरह से यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक मतलब फिल्ट पेंट नाम से आप लोग का ब्रश मिलेगा, तो आप यहाँ पर इस वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ, आप लोग इस वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके इसके साइज को आप लोग हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिएगा। और कट के ऑप्शन में क्लिक करके कुछ जैसे फोटो को आप लोग जूम करके अपने स्किन के ऊपर आप लोग इस तरह से यहाँ पर इसको ब्रश कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। सो गाइस, मैंने अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ करने के साथ अपने फेस को यहाँ पर व्हाइट भी कर लिया, जो कि दिख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने लिप्स को कलर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से लेयर के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्लस के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ से फिर से एक डुप्लीकेट लेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ से क्या करते हैं, इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग क्या करते हैं कुछ नहीं करेंगे, हल्का सा ऑपेसिटी को यहाँ पर इसको डाउन कर देंगे कुछ इस टाइप से। और कलर के ऑप्शन में क्लिक करके इसको यहाँ पर क्या करते हैं, रेड कलर यहाँ पर कर लेते हैं। और फोटो को जूम करके अपने लिप्स के ऊपर हम लोग इस तरह से यहाँ पर इसको ब्रश कर लेते हैं कुछ इस टाइप से।
तो स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर जितना भी वर्क था सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड को बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं इस वाला ऑप्शन पर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके अपने फोटो को हम लोग सेफ्टी डिवाइस कर देते हैं, और इस वाला फोटो को हम लोग अपने गैलरी के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और शेयर टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके इस वाला फोटो को हम लोग क्या करते हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सो गाइज पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को शेयर करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपने बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं टूल के ऑप्शन में एक बार टैप कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं रिमूव के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं, और कुछ स्टेप से फोटो को हम लोग जूम करके अपने बॉडी पर इस वाला ब्रश को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं रिमूव के ऑप्शन में एक बार हम लोग टैप कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर रिमूव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फोटो गाइस यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं सिंपली से यहाँ पर इसको राइट क्लिक करते हैं इस तरह से, और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इफेक्ट टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं आर्टिस्टिक के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं, और इसको हम लोग राइट साइड में कुछ इस तरह से स्क्रॉल करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक फील्ड पेंट नाम से आप लोग का मतलब टूल मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर इस वाला टूल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके अमाउंट को आप लोग हल्का सा यहाँ पर माइनस की ओर कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से, और आप सिंपली यहाँ से इसको आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा। अब फिर से यहाँ पर इफेक्ट टूल के ऑप्शन में एक बार आप लोग टैप कर लीजिएगा, और इस बार आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा एफेक्ट टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और हल्का सा अपने बैकग्राउंड में आप लोग मतलब HDR को इनेबल कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और अब सिंपली यहाँ से आप लोग इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। अब फिर से यहाँ पर इफेक्ट टूल के ऑप्शन में आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और इस बार आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा ब्लर के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और आप लोग को जितना परसेंट पर अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना होगा आप उतना परसेंट पर यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इतना परसेंट पर अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर लिया हूँ, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं सिंपली से यहाँ से इसको राइट क्लिक कर लेते हैं इस तरह से, और अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जो स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव किए थे उस वाला फोटो को यहाँ पर हम लोग सिंपली से ऐड यहाँ पर कर लेते हैं, और इसको हम लोग कुछ स्टेप से जूम करके इसको हम लोग फुल बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं रिमूव डॉट बीजी के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं, और अब इरेजर ब्रश के ऑप्शन में एक बार क्लिक करिए कुछ स्टेप से फोटो को हम लोग जूम कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कुछ स्टेप से यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं, जो कि देख ही सकते हो यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर खराब हो चुका है हमारा फोटो, इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर सही कर लेते हैं, और अब सिंपली यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं अपने बैकग्राउंड में हम लोग बोके इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक बोके इफेक्ट की पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले बोके इफेक्ट की पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे, और इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ स्टेप से जूम करके इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, और ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन में एक बार टैप करके इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, और इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइस अब यहाँ से इसको सिंपली से हम लोग राइट क्लिक करेंगे, अब फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक टेक्स्ट की पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले टेक्स्ट की पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, और इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ स्टेप से जूम करके ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन में एक बार टैप करके इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइस अब यहाँ से सिंपली इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो अपने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज करना, तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा इफेक्ट टूल के ऑप्शन में एक बार फिर से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कलर्स के ऑप्शन में एक बार आप लोग टैप कर लीजिएगा, और थर्ड नंबर पर आप लोग मतलब कलर रिप्लेस का एक ऑप्शन मिल गया, इस वाला कलर रिप्लेस के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके इसके सर्कल को आप लोग कुछ हिसाब से छोटा करके इसको आप लोग यहाँ पर इस तरह से रख कर छोड़ दीजिएगा, और रिप्लेस ह्यू के ऑप्शन में क्लिक करके इसके अमाउंट को आप लोग डिक्रीज या इनक्रीज करके देख लीजिएगा, आप लोग को जो कलर पसंद आए आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाला कलर को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और सिंपली यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप यहाँ पर। तो फोटो को गैलरी के अंदर यहाँ पर सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग का डॉट ऑल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करके अपने फोटो को आप लोग गैलरी के अंदर यहाँ पर इजीली सेव कर लीजिएगा।